नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 7th of March और हमने यहाँ पे गणपति जी के सामने छोटा सा दिया लगाया है और फूलों से सजाया भी है। तो फूलों से याद आया, काफी दिनों से आपको हमारा बैल्कनी नहीं दिखाया है। तो बैल्कनी में मैंने 3 महीने पहले कुछ मिर्ची के सीड्स बोए थे, 1 या 2। तो उसमें से 2 प्लांट्स निकले हैं जिनमें काफ़ी सारी मिर्चियाँ लगी हुई है। तो आप देख पा रहे हो हरी हरी मिर्चियाँ, और ये खाने में तीखा भी है। यहाँ पर कुछ फूल है जो मैंने मार्केट में पहली बार देखा तो मेरे साथ ले आई हूँ, और हमारे हॉल में टीवी के पास वेस में बहुत खूबसूरती के साथ सजाया है। तो रजनीगंधा उन फूलों में से एक है जो मेरा बहुत ही मनपसंद फूल है। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और रजनीगंधा के महक से पूरा घर भर चुका है। रजनीगंधा का यही स्पेशलिटी है कि सुबह से नहीं बल्कि शाम से इसका जो असली महक है वो छाने लगता है। तो चलिए, शाम से याद आया है कि आज शाम को 7 बजे ही हमारा एक इनविटेशन है। आज है हिया का बर्थडे और उसी बर्थडे पार्टी में हम जाने वाले हैं। तो हम लोग टाइम से बर्थडे पार्टी पे तो पहुँच गए, और यहाँ का बच्चों का चहल पहल ज़रा देखिए, कितना बच्चे लोग कूदाफादी कर रहे हैं और सबके हाथों में एक एक तलवार है। तो यहाँ पर पहले ही कुछ देर बच्चों का फोटोग्राफी सेशंस हुआ और बड़ों का शायद बाद में होगा। तो यहाँ बर्थडे पार्टी में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है। पीछे आप देख सकते हो एक मैजिशियन आए हुए हैं जो अपना सेटअप कर रहे हैं, और यहाँ पे मैजिक शो स्टार्ट हो गया है। चलिए, हमारे साथ साथ आप भी एंजॉय कीजिए। सिंगल कोई डबल नहीं है, खाली गिलास को यहाँ पे बर्न और ग्रीन कलर के बॉल को लेफ्ट हैंड में बर्न, डंडा ऊपर, जाओ जल्दी। तो देखो चले गए, हाथ वाली बॉल जल्दी यहाँ पर आ जाओ, डोंट टच, खोलो, खाली है ना, सही बात बोलो, आपका शादी हुआ। तो ये है हिया के फादर, हमारे सबके प्यारे सुमन दादा, जो कि मेरे एक्स मैनेजर से बढ़कर ये मेरे बड़े भैया है। अभी उनके साथ मैजिशियन कुछ मैजिक दिखाने वाला है, जो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है उनके साथ। लेफ्ट हैंड को बोलो, हाँ, अभी राइट हैंड को बोलो, ओहो, अच्छा मान गया, पूरी हाथ को बोलो, हाँ, अभी दोनों पैर को बोलो, ओहो, ऐसे हाथ करो, बोलो जादूगर, जादूगर आज मुझको नहीं, बोलो जादूगर, जादूगर आज मुझको, आज मुझको 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए लड़की बनाओ, पता आइडिया है ना। अरे सुमन, सुमन तेरा नाम लेने से इसका ले लो, दिख रहा है आपको, पीछे फ्लावर है,
आगे 3 नंबर है, ठीक है। हाथ को ऊपर करो, छोड़िए, सिंगल है, डबल है, ऐसे पकड़ना, ऐसे बराबर, एक का दो करना इसमें से, ठीक है। बोलो फोन जल्दी दो करो सर, मालिक खुश रहेगा, तुम्हें पढ़ना नहीं है सर, ये बच्चा पीछे सर को, ये बच्चा पीछे सर को, ऐसे बराबर पकड़ लो, बोलो अरे ऐसे तो नहीं, बात तो है, तुम तो बड़े जादू करे, एक का दो तो कर करके दो बना दिया, कितने पीछे सर, दो दो का चार करो, अभी पढ़ो, हाँ पढ़ो सर, कितना बनाया, चार में से, अभी फूक मार कर एक बनाओ सर, पहले एक बनाओ, एक बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ पर दो, कितना पिच किया आपने, आज पिच मैंने कहा रख दिया पक्का, एक पिच कहाँ पर भाई आपको, क्या नाम है आपका जी भाई, अब वो एक मिनट आएंगे भाई, कैसे पकड़ लो आपने, मुझे ऐसे हाथ करो, लेफ्ट इसके ऊपर में लगा दो, एक हाथ ऐसे लगाओ, थोड़ा बाथरूम में गाना बजाएगा, आज बच्चे को बोलिए, आप ऐसे बोलना, हिचिक 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 हिचिक, पता जोर हो जाएगा, एक दो तीन, बोलो तो एक दो तीन चार, अब ये पत्ता हाथ में, सही बोले पत्ता, मैंने पढ़ा है आपने, आपके यहाँ से क्या छोड़ दिया सर, बोलो फो, बोलो सही है, एक पीस कहाँ पर है, एक करके देखो, वही है दूसरा है, ठीक है आपके ध्यान से, वही है, थोड़ा क्लिप करेंगे एक बार, ऐसा बार। तो यहाँ पर मैजिक शो के अलावा एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है स्पेशली फॉर गर्ल्स, और वो है नेल आर्ट। तो यहाँ पर इतने सारे कलर्स देखकर मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा नेल आर्ट का कलर मैं चूज करूँ। तो बहुत सोचने के बाद मैंने चूज किया है यहाँ पे नियॉन येलो, और वैसे तो मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन मैंने दीदी को बोला है कि नेल आर्ट के ऊपर थोड़ा सा वो डिज़ाइंस कर दे, तो सबसे पहले एक नियॉन कलर का बेस डालने के बाद उन्होंने ब्लैक कलर से कुछ डिज़ाइंस किए हैं। आज शायद बरसों बाद मुझे नेल पेंट लगाने का मौका मिला है, और ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखा है, लेकिन बच्चों का तो पता नहीं, हम बड़े भी इसका बहुत ही मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा नेल पेंट करना ऑलमोस्ट डन, और काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन किया है, और साथ ही साथ अब सभी को बर्थडे पार्टी का जो डेकोरेशन है वो दिखाते हैं। तो काफ़ी सुंदर पेस्टल शेड्स के बलून से ये डेकोरेशन किया गया है, काफ़ी जगह में बटरफ्लाइज लगाए हैं, और यहाँ पे एक LED लाइट का हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो ये छोटा सा स्टेज भी है जहाँ पर आज बर्थडे का केक कटिंग सेरेमनी भी होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले केक को सेट किया जाएगा, तो इट्स अ 3-टायर केक, काफ़ी बड़ा केक है, तो ये काफ़ी सारे पार्ट्स में आया है और सभी मिलकर इसे सेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ फोटोग्राफर से इनपुट भी ले रहे हैं कि कहाँ पे रखने से अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे। तो पहले जहाँ केक को रखा था उससे केक का जो हाइट है बाद में रिड्यूस किया गया ताकि अच्छे सारे फ़ोटोज़ आए, और ये एक 3-टायर केक है, और इसका एक और खास बात है कि जो मिडिल में लेयर है उसमें लाइट्स भी है, तो इट इज़ लिटिल लाइक शो केक जो मिडिल पार्ट है, लेकिन उसके ऊपर और नीचे काफ़ी सुंदर सा एक मजेंटा कलर है। और यहाँ पे देखिए केक के साथ बहुत सारे मफिन्स भी है वनीला फ्लेवर के, और आई थिंक ये ब्लैकबेरी फ्लेवर का मफिन है, आई एम नॉट श्योर। तो सभी बच्चों को केक कटिंग के बाद एक एक मफिन भी दिया जाने वाला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेरेमनी।
केक के लगने के बाद यहाँ तो बच्चे लोगों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सारे बच्चे ये वाला एक्टिविटी भली भांति जानते हैं कि उनको केक डेकोरेटेड जब दिख जाए तो वो केक कटने के बाद उनको केक खाने मिलेगा। और यहाँ पे तरह तरह के मफिन्स भी हैं। हम लोग के बचपन में इतना सारा तो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होता था, एक छोटा सा केक रहता था और दोस्त लोग आते थे। पर अभी के जनरेशन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दादा ने ये वाला ऑर्गेनाइज़ किया। अभी फोटोग्राफर के साथ बहुत सारा फोटो सेशन हो रहा है, तो हिया अपने मम्मी पापा के साथ एक फैमिली फ़ोटो में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी केक कटिंग का भी काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग उसी का ही वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बर्थडे गर्ल के साथ साथ हम सभी केक्स और मफिन खाने में बिजी है। तो चलिए इसी बहाने चलते हैं देखने के लिए कि डिनर में क्या क्या है। बहुत ही बड़ा सा लाविश स्प्रेड है यहाँ पे। सबसे पहले है मिक्स वेज, जहाँ पे बहुत सारे फ्राइड वेजीज रखे हैं और ग्रेवी में टॉस करके दिया जा रहा है। वहाँ था पापड़, ये है बटर मिल्क और यहाँ पे है दाल फ्राई। इस साइड में है वेज बिरयानी और यहाँ पे है नूडल्स और साथ ही में है मंचूरियन। और इस तरफ काफ़ी वैरायटी है, पूरी है, मसाला पूरी है, मेथी पूरी है और ये है प्लेन रोटी। और इस तरफ है शायद पनीर, हाँ ये पनीर ही है। और इस तरफ है मूंग दाल का हलवा और यहाँ पे है सैलड। तो काफ़ी बड़ा सा एक अरेंजमेंट है आज के बर्थडे पार्टी में। तो डिनर हम सभी ने ऑलमोस्ट कर लिया है और अभी हम आ रहे हैं कुछ लास्ट मिनट फ़ोटोशूट के लिए। तो यहाँ पर सभी अपने ग्रुप में खड़े हैं। तो हिया के कुछ स्कूल फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग में हिया के फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स हैं। तो सभी के साथ हम अभी फ़ोटोज़ निकालेंगे और आज का व्लॉग बस यहीं तक रहा। आशा करती हूँ कि ये व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।